लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा गैंग का गुर्गा गिरफ्तार, आरोपी से एक पिस्तौल और दो कारतूस बरामद, 100 ग्राम अफीम भी जब्त की गई है। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने जोधपुर ग्रामीण जिले के खिड़ापा थाना इलाके में लॉरेंस और रोहित गोदारा गैंग के सक्रिय सदस्य भैरव सिंह को गिरफ्तार किया है। पुलिस सर्च में आरोपी के पास एक पिस्टल, दो कारतूस और 1 किलो अफीम पुलिस को मिली है। टास्क फोर्स की टीम ने आरोपी को खिड़ापा थाना पुलिस के सुपुर्द किया। आरोपी भैरव सिंह मूल रूप से पेमासर थाना बीछवाल जिला बीकानेर हाल जोड़ किया थाना हनुमानगढ़ टाउन का रहने वाला है। एडीजी क्राइम दिनेश एमएन ने बताया कि आईजी प्रफुल्ल कुमार के सुपरविजन में एडिशनल एसपी एजीटीएफ विद्या प्रकाश के नेतृत्व में गठित टीम के सदस्य कांस्टेबल अरुण कुमार व कुलदीप सिंह को शनिवार को लॉरेंस गैंग के सक्रिय गुर्गे भैरव सिंह के बारे में सूचना मिली कि वह किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। सूचना को विकसित किया गया तो उसके बाद जोधपुर ग्रामीण जिले में होने की जानकारी मिली। सूचना की पुष्टि होने के बाद जोधपुर ग्रामीण जिले के थाना खिड़ापा व डीएसटी को जानकारी दी गई। रविवार को बावड़ी अवनाना रोड पर शमशान घाट की दीवार के पास एक व्यक्ति पीठ पर बैग लटकाए रोड के बाएं तरफ खड़ा दिखाई दिया। पुलिस वाहन को देख दीवार को फांद कर नीचे कूद भागने की कोशिश में उसके दाएं पैर में चोट लग गई। नाम पूछा गया तो अपना नाम भैरव सिंह पुत्र अनूप सिंह निवासी पेमासर थाना बीछवाल हाला थाना हनुमानगढ़ जंक्शन बताया। पुलिस ने आरोपी की तलाशी ली तो उसके पैंट की दाहिने जेब में 100 ग्राम अफीम का दूध मिला। बैग की तलाशी में एक पिस्टल मिली जिसके मैगजीन में 2 राउंड थे। इस पर आर्म्स व एनडीपीएस एक्ट में आरोपी को थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एडीजी एमएएन दिनेश ने बताया कि गिरफ्तार बदमाश भैरव सिंह लॉरेंस और रोहित गोदारा गैंग के लिए अवैध वसूली कर रहा है। पूर्व में हुए वासुदेव सिंधी मर्डर कांड में भी भैरव सिंह शामिल रहा है। इस पर श्रीगंगानगर जिले के थाना चुनावत व कोतवाली जोधपुर के सरदारपुरा व सीकर के थाना लक्ष्मणगढ़ में हत्या का प्रयास, अवैध वसूली व आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज है।